यद्यपि 14 राजयोग की गणना जो जिस प्रकार से की गई है उसके अंदर 7 राजयोग पूर्व लोक में चले गए, 7 राजयोग जो है अधोलोक में चले गए। अब यहाँ जो मेजरमेंट माप दिया है तीर्थालोक का, सिर्फ ये 1800 योजन की है। 1800 योजन के अंदर 2 विभाग कर दिए, ये सेंटर गिनते हो तो ऊपर 900 योजन है और नीचे 900 योजन है। ये 1800 योजन इतना हमारा तीर्था है, जहाँ असंख्य तिर्यंच गति के पशु पक्षी हैं और संख्या मनुष्य। लेकिन बात यहाँ चल रही है, इन सबको रहने के लिए मुख्य रूप में आधार स्थान चाहिए पृथ्वी का। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि असंख्य द्वीप समुद्र, द्वीप का मतलब है पृथ्वी, जिसके चारों तरफ पानी है उसको द्वीप कहा जाता है। अब चारों तरफ पानी पानी का प्रमाण है, यहाँ ये प्रश्न खड़ा होगा कि कितने पृथ्वी काय के जीव और अब काय के पानी के जीवों का प्रमाण कितना है। अब पानी के जीवों का प्रमाण हम देखने जाएं तो जहाँ असंख्य समुद्र हो गए, अब जब महावीर केवली है और एक बूंद के अंदर असंख्य पानी के जीव बता रहे हैं, यहाँ असंख्य ही समुद्र हो गए। इधर देखिए थोड़ा सा, एक पृथ्वी है पहले ये, और ये है जम्बू द्वीप, इसके बाद में ये लवण समुद्र है, फिर धातु की खंड द्वीप है, कालोदरी समुद्र है, पुष्कर द्वीप है। आप ऐसे 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 करते करते असंख्य नाम तक समुद्रों तक जाए। तत्वार्थ सूत्रकार ने सूत्र दे दिया है शुभ नामों द्वीप समुद्र, जितने शुभ नाम जगत के अंदर है उनके नाम का द्वीप भी है समुद्र। अरुण नाम जगत में शुभ है तो अरुण नाम का द्वीप भी है, अरुणों पर समुद्र भी है। अब इस हिसाब से आप नामों की संख्या लेते हैं, मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का है, पृथ्वी के जीवों का प्रमाण कितना होगा। अब मात्र पृथ्वी नहीं, जब इतनी पृथ्वी काय है और इनके जीवों का प्रमाण, भगवान केवली हैं सर्वज्ञ, तीर्थंकर प्रभु से पूछा गया कि भगवान 5 काय के अंदर सबसे ज्यादा जीवों की संख्या प्रमाण में किसकी है। प्रश्न बोलो, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5। अब यहाँ पर ये 5 जातियाँ मुख्य रूप में हुई, संख्या प्रमाण में किस। महावीर ये कह रहे हैं कर्म शास्त्र का अभ्यास करने से आपको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और पंचेंद्रिय जीव जिस प्रकार से अब जगत के अंदर प्रमाण देखा जाए, तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे, क्रम के अंदर आगे बढ़ते जाओगे, जीवों की संख्या घटती जाएगी। और या फिर यहाँ से आप जैसे जैसे नीचे उतरते जाओ यहाँ आते आते जीवों की संख्या बढ़ती ही बढ़ती है, जीवों का प्रमाण। अब इस पर से क्या सिद्ध होता है, जिन जीवों की संख्या कितनी ज्यादा है उन जीवों की हिंसा भी प्रमाण में उतनी ही ज्यादा है, जिन जीवों की संख्या प्रमाण में जितनी कम है उन जीवों की हिंसा भी प्रमाण में उतनी कम संख्या। नंबर 2, जितनी संख्या जीवों की प्रमाण में ज्यादा होती जाएगी उतने प्रमाण में उनका कद जो है छोटे से छोटा ही बनता जाएगा, और जितने प्रमाण में जीवों की संख्या कम होती जाएगी आगे 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 ऊपर चढ़ते हुए बढ़ते क्रम से बढ़ते जाएंगे, अब जीवों का कद और प्रमाण भी बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये नियम देवलोक के देवी देवताओं की संख्या में विपरीत चलता है। विपरीत का मतलब देवलोक के अंदर जैसे जैसे और ऊंचे देवलोक में ऊपर ऊपर आप चले जाओ
तो अवगाहना घटती है और आयुष्य बढ़ता है। और जैसे जैसे नीचे चले आओ आपको लगेगा आयुष्य घटता है और अवगाहना बढ़ती है। हम जब ये देवगति के देवी देवताओं के जीवों के बारे में विचार करेंगे तब आपको विशेष ख्याल आएगा। अभी हम यहाँ एक जीवों की विशेष विचारना कर रहे हैं। ये प्रमाण हमको ध्यान में रखना है। बात यहाँ पर इसलिए है कि हम पृथ्वी काय किसको कहेंगे। पहला विभाग है यहाँ पर, जब आप किसी को पृथ्वी काय ये संज्ञा दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि जिसका शरीर जो है पार्थिव कक्षा का है। अब जिसका शरीर पार्थिव प्रकार का है उसी को पृथ्वी काय कहें। मतलब बोलो पार्थिव शब्द का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर ठोस प्रमाण सुने पत्थर जैसे, विच इज कॉल्ड एज ए सॉलिड फॉर्म। मैंने कल परसों आपको कहा था कि पानी प्रवाही लिक्विड फॉर्म में बहता हुआ है, अग्नि फ्लेम ऊपर ध्वजा की तरह से उतरती थी, वायु बहता हुआ है, ऐसी स्थिति के अंदर पृथ्वी जो है वो पार्थिव पदार्थ है। अब पार्थिव में सभी धातु आ गई, सभी मिट्टी आ गई, सभी प्रकार के पत्थर आ गए, सब प्रकार की मिट्टियाँ आ गई, सब प्रकार के रचना आ गए। क्या लाया ये सब प्रकार है जब हम देखते हैं पार्थिव प्रकार। अब जहाँ जाकर के जीवों को उत्पन्न होकर पार्थिव शरीर बनाना है उसको हम पृथ्वी काय के योनि कहेंगे। जहाँ जाकर जीवों को पार्थिव शरीर बनाना है उसको हम पृथ्वी काय कहेंगे। अब पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पाकर पृथ्वी काय मुख्य रूप में पृथ्वी स्वरूप है। अब इधर आप क्या देख रहे हो, पृथ्वी के प्रमाण और समुद्रों का प्रमाण। अभी मैंने बताई संख्या यहाँ पर पृथ्वी की कितनी है, जाग रहे कि नहीं रहे। इधर मत देखो, 18 खाली ऊंचाई है। अब यहाँ असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य समुद्र हैं। इधर देखिए, एक पृथ्वी के बाद दूसरी पृथ्वी डबल, दूसरी के बाद तीसरी माप में और डबल, तीसरी के बाद चौथी माप में और डबल। लेकिन जैसे महिला अपने हाथ में कंगन पहनती है जैसे बंगड़ी कहे छे, ये बैंगन की तरह से सभी गोल है। एक के बाद एक से लेकर के पहले पृथ्वी से लेकर असंख्य तक सभी गोल है। अब पहली पृथ्वी का नामकरण है जम्बूद्वीप, दूसरी पृथ्वी का नाम दातकी, तीसरी पृथ्वी का नाम पुष्करद्वीप, चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं पृथ्वी आगे बढ़ेगी, अरुणवर द्वीप आएगा, अरुणोवर द्वीप आएगा, आगे बढ़ते जाओ नौवां द्वीप आया नंदीश्वर। नंदीश्वर द्वीप के अंदर टीले की तरह से या स्तूप की तरह से इतने ऊंचे ऊंचे बड़े पहाड़ के पहाड़। दुनिया में पहाड़ों की कमी कहीं है क्या, और जितने पहाड़ हैं सब पृथ्वी काय के। आप जब पहाड़ पर चढ़ते हो कहीं देखते हो कोई पत्थर छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है, कोई और छोटा है, कोई इतना बड़ा है, और बड़े बड़े जब हो जाते हैं वो शिला हो जाती है। क्या कारण क्या है, क्यों पत्थर छोटा बड़ा, इतना छोटा से लेकर कंकड़ और रेती और छोटी और कंकड़ की रेती से लेकर के बड़ी बड़ी चट्टानों तक की बात। 23वें तीर्थंकर कर पार्श्वनाथ भगवान अषाढ़ सुदी आठम के दिन समेत शिखर शैल पर जिस शिला पर जाकर खड़े रहे तो बहुत बड़ी शिला थी, बीच में पार्श्वनाथ खड़े रहे, 33 साधु किनारे गोल गोल खड़े रहे, 33 साधुओं के साथ में पार्श्वनाथ भगवान ने लास्ट में एक महीने का मासक असार सुदी आश्रम से लेकर श्रावण सुदी आश्रम तक 30 दिन के उपवास पार्श्वनाथ के चले और 30 ही उपवास 33 साधु। अब ये 33 साधु भगवान के साथ में आए, प्रभु जी आपके साथ हम चले हैं।
भगवान आ रहे हैं यहाँ समय शिखर पर जी आ रहे हैं। उस समय पार्श्वनाथ देव नाम नहीं था, बाद में नाम पड़ा, लेकिन जैसे प्रभु पधारे वहां पर 35 साधु के साथ बीच में केंद्र में खड़े रहकर भगवान ने अपना मनोरथ जो विचार था वो 33 साधुओं को बता दिया। मैं आज से मासक श्रमण कर रहा हूँ, मतलब मासक श्रमण कहने के बजाय चौबियारा निर्जल अनशन कर रहा हूँ। संख्या नहीं है उसमें, अनशन के अंदर आपकी वृत्ति हो गए वहां तक की संख्या, दिनों की गिनती करके आप संख्या फिक्स नहीं कह रहे। लेकिन अब निर्जल चौबियारा करके उन्होंने जब अनशन कह दिया, अब वहां पर बात ही पूरी हो गई, पानी पीना नहीं है, पेशाब करना नहीं, तो शरीर को अपना अंबोसिरा में करके अंबोसिरा है, शरीर खड़ा है, शरीर जीवंत है, अभी भगवान ने प्राण छोड़े नहीं है और फिर भी वो सिरा दिया, अपनी तरफ से वो सराया, मन से, वचन से, काया से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और स्थान से, काने नम मोने नम चाने, मतलब स्थान से आपने जहां पैर रखे हैं, जितनी भूमि का स्पर्श किया है, अब उससे ज्यादा 1 सेंटीमीटर की भूमि आप बदलेंगे नहीं। ये है वहां पर ठाने नम, मोनेरम है मौन पूर्वक, ध्यानेरम है ध्यान पूर्वक। अब ध्यान में स्थिर हो गए, देखिए ध्यान दोनों प्रकार है, अस्थिर ध्यान और स्थिर ध्यान। जहां आपके अध्यवसाय उसी निर्धारित विषय पर स्थिर बने रहे वही आपका स्थिर ध्यान है। हमारे सब बोल रहे हैं जिस विषय पर आपके विचार चल रहे हैं वो स्थिर हो जाने। मैं आत्मा हूँ, मैं निरंजन निराकार आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, करते करते अंदर आप स्थिर हो गए हैं और वही दिखता है। कब स्थिर होंगे? जब दिखना जाए, अनुभूति के स्तर पर आ जाए, तब वहां शब्द रुक जाए, और जब शब्द रुक जाएंगे तो वहां उसको देखने में आप स्थिर हो जाओ। यहाँ ज्ञान के अंदर देखना है, इंद्रिय से देखना नहीं है, आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती है, आत्मा का रूप रंग नहीं है, आत्मा का वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, पुद्गल के गुणधर्म है वो इंद्रिय ग्राह्य, और जो पुद्गल के विषय गुणधर्म नहीं है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो ज्ञान की अनुभूति से चल रहे। आत्मा के गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अनंत, वीर्य, उपयोग, भाव, ये सब जो है आत्मा के अंदर की अनुभूति में है, वहां पर इंद्रियां बीच में नहीं आती है, वो आत्मगुण है, उसको इंद्रियों से ग्राह्य नहीं किया जा सकता है, आत्मा से अंदर अनुभूति की है। जिस ध्यान के अंदर आत्मा केंद्र में न हो वो ध्यान आपके लिए निद्रा कारक ध्यान नहीं है। अगर आपका ध्यान आत्म केंद्रित है, आत्म लक्षित है, निद्रा लक्षित है लेकिन आत्म केंद्रित है, उस प्रकार के ध्यान में आप जितने स्थिर रहो उतनी निद्रा बढ़ती जाएगी, जितने समय तक आपकी स्थिरता बढ़ेगी उतने समय तक आपकी निद्रा बढ़ेगी, और जितनी तीव्रता बढ़ेगी उतना ही निद्रा में गुणाकार भी बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आप ध्यान करने बैठे, ध्यान में सबसे ज्यादा ज्ञानाचार बिल्कुल प्रदीप्त चाहिए और वीर्याचार प्रगट चाहिए। ज्ञानाचार प्रदीप्त का मतलब जैसे दीपक की ज्वाला बढ़ती है, उजाला बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है, ध्यान की धारा में अगर आप हैं और उस समय आपका ज्ञान का उपयोग अगर तीव्र नहीं हो रहा है और वीर्याचार घट गया, उन लोगों को दर्शना वर्णीय निद्रा, दर्शना वर्णीय कर्म उदय में आते, नींद आने शुरू हो जाए, और वो ये समझ लेंगे कि हम ध्यान कर रहे हैं,
ऐसी भ्रमणा हो जाएगी और उसमें निद्रा नहीं होगा। इसलिए कोसेंट्रिक जिसको बोलते हैं, आत्मा को केंद्र में रख करके जिस प्रकार का ध्यान किया जाए तो निद्रा। आपने आत्मा को केंद्र में से हटा दी, आपने श्वास प्रेक्षण, आपने देह प्रेक्षण, देह संवेदना, आपने बाह्य उपयोग भाव जागृत रखा, आपकी निद्रा प्रमाण में कट गई। क्या समझाए से बात? बाह्य उपयोग मत हमारे करो, आप अभी तक आत्मोपयोग आंतरिक उपयोग में नहीं आए। बाह्य उपयोग में तुम्हें श्वास ना ऊपर केंद्रित करवानी बात करो छो, देह ना ऊपर आवीने अंगों पर स्थित करवानी बात करो छो, त्राटक ऊपर आवीने बाह्य वस्तु नु निमित्त लईने स्थित करवानी बात करो छो, आलंबन सालंबन ध्यान में तुम्हें जेनु आलंबन लो छो एना ऊपर स्थित थाओ, आ बदा निमित्तों आत्मा नु विस्मरण करावे। और जब आत्मा का विस्मरण होता है वो ध्यान नहीं है, जैसे हम लिखते हो तो जिसको हम यहाँ पर कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। आप एकाग्र जरूर हुए हैं लेकिन आत्मा पर स्थिर नहीं। आप ध्यान से समझिए, एकाग्र होना ये भी ध्यान नहीं है। ध्यान में स्थिर होने का पहला चरण, जब आप ध्यान में स्थिर हो रहे हो तब आपको एकाग्रता लानी है। एकाग्र बनोगे तब आप ध्यान में स्थिर होगे, और जितनी स्थिरता आपकी बढ़ेगी उतनी अंदर से निद्रा बढ़ेगी। जिसकी स्थिरता का प्रमाण कम है उसकी निद्रा का प्रमाण भी बहुत कम रहेगा। मेरा निवेदन है, आप सभी ध्यान से सुनिए, जो लोग आपको आत्मा केंद्रित ध्यान से भटका देते हैं, विपश्यना करिए, प्रेक्षा करिए, लाल रंग देखिए, पीला रंग देखिए, ब्लू रंग देखिए, ऐसा देखिए, आप बंद करके लाल रंग देखिए, ये सब आपको निद्रा से वंचित रखने का और आत्म केंद्रित अवस्था को घटा करके बाह्य आलम्बनों में टिका। एक छोटे से बच्चे को माँ पहले अंगुली पकड़ कर चलाना सिखाती है, एक बाल ज्ञान साधक को लोग पहले उसको लाल पीले रंग के आलम्बनों में अटकाना सिखाते। आप शरीर पर आ जाओ, शरीर की संवेदना को देखो, माँ भी कह रहे हैं शरीर हमारे लिए अनादि काल से पुद्गल का एक निमित्त बना है, आत्मा को बिल्कुल संग से उसी के साथ में जुड़ने का निमित्त बना है। अब सबसे पहले जिसको ध्यान करना है वो देह की संज्ञा, देह की राग वृत्ति, देह का मोह भाव घटाएंगे तो ही ध्यान शुरू होगा, नहीं तो नहीं। भूल से पुद्गल संग मत पकड़ो, भूल से पुद्गल संग पकड़ोगे आप और फिर वो नहीं छूटा तो हमेशा के लिए पुद्गल का संग रह जाएगा। बच्चा छोटा है वहां तक मम्मी की अंगुली पकड़ेगा, बच्चा बड़ा होने के बाद मम्मी की अंगुली नहीं पकड़ेगा। अब फर्क पड़ जाएगा बात पहले, पहले हम यहाँ पर केंद्रित रहें। इसलिए जो भी कोई आपको आत्मा से अलग करता है, आत्मा से दूर भगाते हैं, आत्मा से हटा रहे हैं आपका का लक्षण और लक्ष्य हटा करके दूसरे तीसरे ध्यानों में आपको ले जा रहे हैं, तो या तो समझिए बाल कक्षा में है या समझिए LKG में प्रगतिया करा रहे हैं। लेकिन हम उसी को ध्यान मान लेते हैं तो जिंदगी भर में सच्चे आत्म ध्यान पर कभी नहीं आता। आज ये परिणाम हुआ कि कई वर्षों से, 100 वर्षों से ये विपश्यना चल रही है, लेकिन विपश्यना मात्र बाल ध्यान बन गई। ध्यान का नाम देना भी गलत है उसको, लेकिन उनकी तत्व व्यवस्था के आधार पर ध्यान व्यवस्था बनी है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जो तत्व व्यवस्था उन्होंने बनाई है उसके आधार पर उन्होंने विपश्यना ध्यान सिस्टम बनाया। और अगर हम साधु बन करके, महावीर के मार्ग के उपासक बन करके यदि आपने ये गलती कर दी कि हम रहते रहे महावीर के सिद्धांत में, अभ्यास महावीर के सिद्धांत का, तब
तत्वों की निष्ठा महावीर के सिद्धांत की, सम्यक दर्शन महावीर के बताए हुए सिद्धांत और तत्वों पर और बात करते हुए तपश्चर्या के ध्यान की, तब जाकर के वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है, उल्टा चल रहा है। समझे क्यों चल रहा है उल्टा? बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं, बौद्ध धर्म में आत्मा का स्वरूप नहीं स्वीकारा है। अब वो आत्मा को क्षणिक और क्या क्या शून्य और कह करके छोड़ देते हैं, फिर आप विपश्यना क्या करोगे? लेकिन 100 में से 99% लोगों को तत्व का ज्ञान नहीं, उनका अभ्यास नहीं, सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं, वेद ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं। वेद ज्ञान करके जिसने आत्मा को पुद्गल से भिन्न किया, जिसने पुद्गल को आत्मा से भिन्न किया या आत्मा को पुद्गल से भिन्न किया, ये वेद ज्ञान होगा तब ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आखिर ध्यान में जाकर के भी वेद ज्ञान की अनुभूति कर ली, और जब तक इस वेद ज्ञान की अनुरूप अनुभूति नहीं कर पाओगे, तब तक न तो सम्यक दर्शन होगा न ही ध्यान होगा, फिर निद्रा कहां से होगी? आप पहले प्रतिदिन भिन्न करके आत्मा को अलग करके देखने की कोशिश करो, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं पौद्गलिक पिंड शरीर भी नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा ही हूँ, पुद्गल में मात्र में रहता जरूर हूँ, शरीर में निवास मेरा है, मैं शरीर नहीं मैं शरीरी हूँ। दो शब्द में फर्क है, शरीरी मतलब शरीर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला मतलब क्या? जैसे गुरु सा तो पूरी शेते इंदी गुरु सा, इस शरीर में जो सो रहा है वो गुरु सा है। तो यहाँ पर शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान अंदर से होना बहुत जरूरी है। या तो ध्यान करके इसको साध्य बनाइए, या इसको साधना का ध्यान बना करके भेद ज्ञान को साध्य बनाइए, दो में से एक करना है। फिर भी ध्यान करना भी आसान है, और हमारा सम्यक दर्शन का लक्ष्य जो है साध्य सम्यक दर्शन, हमको साध्य वहां तक पहुंचना। और कब होगा कि जब जब आप ध्यान करते हुए निद्रा के अंदर गुणाकार कर रहे हो, तब होगा, नहीं तो नहीं। निद्रा करना अलग चीज है और निद्रा के अंदर गुणाकार बढ़ाना एक अलग। आप कब निद्रा करते हो यही अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप निद्रा में गुणाकार कब बढ़ा रहे? गुणाकार बढ़ाना मतलब निद्रा का प्रमाण बढ़ाना, और ध्यान में रहा हुआ साधक प्रतिक्षण निद्रा का प्रमाण बढ़ाता है, तब जाकर के गुणाकार बढ़ता है निद्रा का, और बहुत बड़े पैमाने पर निद्रा करता है। और जो ध्यान आत्म केंद्रित नहीं हुआ, निद्रा लक्ष्य नहीं हुआ, वो राग द्वेष का ध्यान, आत्मज्ञान गौद ध्यान कारक बन जाएगा, वो कर्म बंद कराएगा। एक ध्यान का प्रकार आत्मरौद्र ध्यान है जो कर्म बंद कराता है, और एक ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का शुभ प्रकार है जो सतत निद्रा कराता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जिस प्रकार का पार्थिव शरीर जिसने धारण किया वो पृथ्वी कायिक जीव है, पार्थिव शरीर किस किस प्रकार का है, तो ये सारी प्रक्रिया आप जो देख रहे हो ये सारी प्रक्रिया पार्थिव शरीर। अब जो भी कुछ पानी में पृथ्वी में बनने वाला है, जो भी कुछ पृथ्वी के अंतराल में बनने वाला है, बनना जरूर है। क्यों अंतराल में बनता है? पृथ्वी कायिक जीव आकाश में नहीं बन रहे, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव आकाश में सर्वत्र लेकिन वो सूक्ष्म होने के कारण न तो आप उसे देखते हो न आप उसको ग्रहण करते हो। कुछ होगा राजलोक के अंदर, आप यहाँ भी गए तो सब जगह पर ये पृथ्वी काय के भी है
पानी के अवकाश के भी है, सब प्रकार के 500 प्रकार के हैं, लेकिन जहाँ पृथ्वी काय की, ये पृथ्वी जो बनी आपने देखा, तो ये पृथ्वी काय का जीव, पृथ्वी काय के शरीर है। अब भले 45 लाख योजन हो, लेकिन अंदर अंदर उसके भी टुकड़े बहुत असंख्य है। तो अंदर उसके अंदर टुकड़े मतलब निकालोगे तो 45 लाख योजन का इतना बड़ा क्रिस्टल नहीं निकलेगा। कोई क्रिस्टल इतना ही निकलेगा, कोई इतना निकलेगा, कोई इतना बड़ा टुकड़ा निकलेगा, कोई इतना बड़ा निकलेगा। आप साउथ में गए हो तो तमिलनाडु की बॉर्डर और केरला की बॉर्डर, कहीं तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर, ऐसे एरिया में क्रिस्टल जमीन में से निकलता है। तो पृथ्वी काय जो स्थूल बाधक पृथ्वी काय है, उसका आधार पृथ्वी। अब पृथ्वी में कहीं पर भी जाकर कुछ भी बनेगा। इधर देखिए, ये सब पृथ्वियाँ यहाँ पर आ रही हैं। अब ये सब अलग अलग प्रकार की पृथ्वी है, ये 7 प्रकार की अलग अलग पृथ्वियाँ हैं, और इनके वहाँ की जैसी रचना है उस हिसाब से इनके नामकरण है। अब रत्न प्रभा क्यों कहा, शर्करा प्रभा क्यों कहा, बालुका प्रभा क्यों कहा, पंकज प्रभा क्यों कहा, गम्मा चेला वंशा रूपक सात नाम बोल, आप बोलो इनको पांच में बोलते हैं। अब ये जो है इनकी प्रक्रिया जो बनी है, तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है। अरे क्या मैं आपको, तो ये अलग अलग प्रकार की जो पृथ्वियाँ है, तो वहाँ के क्षेत्र में वहाँ की पृथ्वी उसकी रचना नरक के दार के जीवों के लिए वेदना कारक बने। आप 1000 सुई इकट्ठी करो, अब सुई की नोक सबकी कैसी है, 1000 सुई को धागा से बांध और यूं खड़ी रखो। अब 1000 सुई आपने जिस तरह से बांध करके खड़ी रखी है, तो उनकी नोक कैसी होती, अब उस पर आपको बिठाया जाए, अब आपको सुलाया जाए। यहाँ ये शर्करा प्रभा है, मतलब कंकड़ की पृथ्वी। अब कंकड़ की पृथ्वी पर चले तो हमारा जैसे ही, अब वो चले तो कैसे चले, अब सोए तो कैसे, बैठे तो कैसे, कूदे तो कैसे। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये पृथ्वी कंकड़ वाली नरक के नारकी जीवों के लिए वेदना का, ये बड़ी विषमता है सर। आप चौथी पृथ्वी में पंक प्रभा में चले जाओ तो वहां कीचड़, कोई हमारी ड्रेनेज लाइन वहां पहुंची नहीं है, क्या लग रहा है आपको, हमारी कोई ड्रेनेज लाइन वहां नहीं पहुंची है, लेकिन ये वहां की पृथ्वी का प्रकार ही वैसा है। पंक प्रभा आपको लगेगा कीचड़ जैसी है। अब उसी के अंदर चलो तो एक पैर उठाओ, दूसरा पैर और नीचे जाए, दूसरा उठाओ एक और नीचे जाए, वो उठाओ तो वो नीचे जाए, अब उसके अंदर आप दबते ही जाओ, ऐसे प्रकार की पृथ्वी है। आपने देखा यहाँ पर किस किस प्रकार की पृथ्वियां बनी। आज जस्ट लाइक द मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इटसेल्फ इज नॉट द लिक्विड, नॉट द गैस फॉर्म एंड नॉट द सॉलिड, बट दैट इज वन टाइप ऑफ सेमी सॉलिड। अब ये है कि पानी की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी पानी के जैसी प्रवाहिता आ गई। पत्थर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वापिस उसकी प्रवाहिता आ गई। अब ये जी विचार की गाथा के अंदर उसके लिए क्या नाम है, पहला नंबर आया। अब ये है रसिंदा, रसात्मक जो है, रसात्मक जो है बिल्कुल। अब हाथ में पारा लो, बहाव तो बेहतर है, लेकिन है क्या ये विशेषता। आप ध्यान से समझिए कि जहां दुनिया के सभी धर्मों ने बुद्धि के दरवाजे बंद कर दिए, और जहां बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाता है, वो बात उन्होंने ईश्वर के ऊपर ढाल दी, भाई ये ईश्वर की लीला है, ये सब ईश्वर की लीला है, ईश्वर की मर्जी है, ऐसा बनाया वैसा बनाया, कोई जवाब नहीं, वहाँ आप प्रश्न नहीं उठा सकते हो, वहाँ आप शंका खड़ी नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कह सकते हो,
यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बस दिस इज द गॉड्स अविश्वर जी की लीला है बनाए। महावीर साफ ना करें ऐसा असत्य पकड़ के रखोगे बहुत बड़ा मिथ्या। ये सब अलग अलग प्रकार के असत्य हैं, दुनिया में असंख्य प्रकार के असत्य हैं, और सम्यक दर्शन और मिथ्या तो की भाषा में आ जाओ वो अनंत प्रकार के असत्य हैं, और अनंत प्रकार के असत्यों के कारण अनंत प्रकार का मिथ्या तो हो गया। अनंत प्रकार के असत्य आप कितने प्रकार बनाओगे असत्यों, कितने प्रकार? सर्वज्ञ के सत्य के प्रकार भी अनंत अनंत है, और प्रत्येक को आप विपरीत करते जाओ सब असत्य होते गए, और इतने असत्यों की मान्यता बनाना ये हमारा मिथ्या। असत्य विषयक मान्यता को अंदर मानने के स्तर पर स्थिर करना उसी को कहते हैं मिथ्या। असत्य के प्रकार की मान्यता बनाना और उसको मानने के हिसाब से स्थिर करना वही आपका मिथ्या। अब आपको सबके दर्शन प्राप्त करना ही है, उस असत्य से विपरीत सत्य सम्यक केवली का सम्यक सर्वज्ञ का प्रतिपादित सत्य क्या है वो अंदर सुधारना करो और अपनी विपरीत मान्यता को बदलो। ये हो गया सम्यक। व्याख्यान सुनने के पीछे हेतु ये रखना है, समझने के पीछे हेतु ये रखना है, आप धार्मिक पुस्तक ग्रंथ पढ़ो तो उसके पीछे हेतु ये रखना है, अभ्यास करो तो आपको उसके पीछे हेतु ये रखना है। मेरे अंदर पड़ी हुई जन्मों जन्म की असत्य की धारणा जो मजबूत हुई है अब उसको दूर करने के लिए मैं ये गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, और जिसमें ज्ञान संपादन हो वो व्याख्या, जिसमें तत्व खुलते हो, जिसमें तत्व की व्याख्या की जाती हो, जिसमें तत्व समझा कर स्पष्ट किया जाता हो वो व्याख्या है, और सर्वज्ञ के सत्य को खोल कर हम खुलासा स्पष्टीकरण करते हैं वो हमारे सम्यक दर्शन में स्थिर जाए। सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन में आकर स्थिर हो जाए ये हमारे लिए व्याख्यान काम का है। ऐसे व्याख्यानों से भूतकाल में अनंत आत्माओं को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, वर्तमान में होता है और अनंत भविष्य में भी होगा। आप ध्यान से रखिए, अधिगम सम्यक को प्राप्त करने के लिए देव गुरु का उपदेश ही सहायक कारणी भूत निमित्त है। बोलो भक्त देव गुरु के पास से व्याख्यान तत्व समझना सीखना सुनना बस जितना ही काम का है तो वो अधिगम सम्यक होगा, और ऐसा एक बार नहीं अनेक बार जब होगा तब जाकर आपको कभी निसर्ग सम्यक होगा नहीं होगा। निसर्ग के अंदर ऐसे प्राकृतिक निमित्त आकर खड़े रहते हैं जिनके आधार पर हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए कार्य है। ऐसे ही व्याख्यान श्रवण करो, देखो व्याख्यान सुनना व्याख्यान समझना व्याख्यान में सीखना तीन बात अलग अलग होगी। आप खाली सुन रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप सुनते हो और समझते हो तो सम्यक ज्ञान होगा। खाली सुनने में आपका सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, दर्शनावरणीय कर्म का क्षय प्रथम हो रहा है, दो में फर्क है। सम्यक दर्शन होना और दर्शनावरणीय कर्म का क्षय प्रथम होना, आप ध्यान रखिए दर्शना वर्णीय कर्म अलग है और दर्शन मोहनीय कर्म अलग है। क्या फर्क है दोनों में? दूसरों का मत सुनो, अभी अपना दोनों आप किसी का मत सुनो, बस वो बड़े बोलते जाए। हाँ बोलो, फर्क बोलो, नहीं इनको बोलने दो आप, जय भगवान, बस बात पूरी हो गई। दर्शन मोहनीय कर्म अलग है, दर्शना वर्णीय कर्म अलग है।
दर्शनावरणीय कर्म आत्मा की इंद्रियों द्वारा देखने सुनने आदि की कर्म प्रकृति पर है। उसके क्षय प्रशम पर हमारी इंद्रियों की शक्ति की क्षीणता या वृद्धि बनेगी, लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म मोहनीय कर्म के अंतर्गत जो आत्मा को मानने देना या नहीं देना उसका निर्णय। अगर वो जो है विपरीत है तो आपकी मान्यता ही नहीं बनेगी। आप सुनोगे लेकिन समझोगे नहीं, आप समझोगे लेकिन सीखोगे नहीं, सीखोगे लेकिन मानोगे नहीं। यही हमारे यहाँ परिणाम होता है। बरसों से व्याख्यान होते हैं, बरसों से हम व्याख्यान सुनने आते हो, वहां मात्र हमने अपने दर्शनावरणीय कर्म के इंद्रियों के दर्शन का क्षय प्रसन्न किया। जितना सुना उतना ठीक, जितना नहीं सुना उतना ठीक। चलो भाई क्या है, प्रवाना मिल रही है, चलो क्या है, 10:30 बजे लास्ट मिनट में भी आते हैं, प्रभावना लेके चले जाते हैं। उन्होंने सुना तो भी ठीक, नहीं सुना तो भी ठीक। कुछ लोग ऐसे होते नहीं, बाल से 2 मिनट पाने पड़े नहीं तो ही गणों ऐसे उनकी मान्यता है। 2 मिनट बाल से 2 मिनट कान में पड़ेंगे तो भी अच्छा। कोई कहता है ना ना 2 शब्द भी कान में पड़ेंगे तो भी हमारा पुण्य बढ़ेगा सा। कोई कहते हैं कुछ, कोई कहते हैं कुछ, लास्ट सेकंड में आओ, लास्ट सेकंड में निभाओ जी, कोई नहीं, सर्व मंगल तो हमारे नहीं। अब वो अपनी आदतों से लाचार है और वो इसी तरह से प्रयत्न करते रहेंगे तो चींटी को यहाँ से चलते जितने वर्षों में वो दिल्ली पहुंचे उतने वर्षों में बख्शे वो आत्मा एक कदम भी आगे नहीं। ऐसे देवगुरु धर्म उनके हाथ में आने के बावजूद भी निष्फल जाते हैं, योग नहीं फैलता। लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म अलग प्रकृति बहुत भारी सॉलिड। इसलिए व्याख्यान सुनने से मात्र दर्शनावरणीय कर्म का क्षय प्रसम, व्याख्यान समझने से व्याख्यान सीखने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय प्रसम, और व्याख्यान में आए तत्वों को मानने से दर्शन मोहनीय कर्म का। अब चारों बात बरोबर हो रही है, लेकिन बोलेंगे अब ये फर्क है आपने कौन सा उद्देश्य बनाया है उस पर आना। आपने मात्र, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको श्रवणे तृप्ति, बस सुना बहुत हो गया, सुना बहुत हो गया, है ना। आटलू हाँबड़ू ने बना रहे आटलू हाँबड़ू एक तो गणु थे साहब हमारे माटे में, एक तो एक गणु। ऐसे करके आप 2 शब्द सुन करके आत्मा को राजी करने की कोशिश करते हो उससे, क्या करेंगे, संस्कार बढ़ाने हैं। संस्कार बढ़ाने के दिशा में जब आप चलते हो तो अच्छा है भाई, चलो कुछ। अब आया दूसरा विषय है कि जिसमें समझना भी है सीखना भी है तो ज्ञानावरणीय का अच्छा दो में जाएगा तो दोनों मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब उसके बाद जब इतना सुना समझा सीखा तो तत्वों को मानने की बात आए वो काम आप करो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयपशम होगा तो मिथ्या तो मोहनीय कर्म की प्रकृति घटेगी उतना अंदर तत्व का ज्ञान से तत्वों की समझ बढ़ेगी। आपने कितने वर्षों तक व्याख्यान सुना ये वर्षों की गिनती करने का कोई मतलब नहीं है। कई लोग बताएंगे नहीं नहीं मैं 50 साल से व्याख्यान सुन रहा हूँ, कोई कहेंगे मैं 40 साल से सुन रहा हूँ, कोई कहेंगे हर बरस सुन रहा हूँ। आप सुनते हो लेकिन आपके सुनने का तरीका कैसा है, आपके सुनने का लक्ष्य कौन सा है। अब हमारे यहाँ पर 100 में से 99% श्रवण वृत्ति है, समझ वृत्ति नहीं है, इसलिए आगे गाड़ी नहीं। श्रवण वृत्ति में सुनने का लक्ष्य है, समझ वृत्ति में सम्यक ज्ञान बढ़ाने का है, और सीखने के अंदर तो अपने अंदर जो सुना है जाना है समझा है सीखा है उसको अंदर मजबूत करो। यहाँ से सुनकर जाकर किसी को सिखा सकोगे, उद्यान के अंदर आपको सिखाया जाता है, मात्र सुनाया नहीं जाता है, अभ्यास कराया जाता है, वाचना दी जाती है, पाठ अभ्यास कराया जाता है।
सूत्र फिर अर्थ फिर बोध फिर तदुपर ये सब करके आपको और जब आपको सिखा दिया है अब आपको अनुज्ञा दी जाएगी। अनुज्ञा का मतलब है अधिकार दिया जाएगा। अधिकार का मतलब ये हो गया कि आपने जैसा समझा है सीखा है जाना है वैसा आप दूसरे को भी समझा सकोगे सिखा सकोगे। जिसने योग किए हो तुम्हारे सबक में बोलूँ तो भी आपको क्या लगेगा ये अनुज्ञा के पाठ में आदेश लिए थे कुछ ख्याल में हो सकते बोलो। हाँ हाँ तो हासिल को इलाज क्या अब वापिस करना दूसरी बात अनुज्ञायम अनुज्ञायम अन्य सिंचर भवत जाहि। ये जो पाठ वहाँ पर आता है आपको अनुज्ञा आज्ञा दी जा रही है गुरु आज्ञा दे रहे हैं आपने पढ़ लिया है आपने समझ लिया है आपने सीख लिया है आपने जान लिया है अब ये आपको अधिकार दिया जाता है अन्य सिंचर दूसरों को भी आप पढ़ाइए दूसरों को भी आप सिखाइए दूसरों को भी समझाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद समझते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि खुद सीख सकते हैं लेकिन दूसरों को सिखा नहीं पाते। ये सब अलग अलग कर्म प्रकृति है और उस अलग अलग कर्म प्रकृति के अलग अलग कर्म है अलग अलग कारणीभूत निमित्त है समझे। अब सबका प्रकार अलग अलग है अंदर से देखने जाके तो हासिल लागने मैंने आड़ी करूँ मैंने समझाई करूँ पर मैंने बोलता नहीं आ नहीं पर मैंने कहता नहीं आ नहीं नहीं पर मैंने बीजा में सिखवाता नहीं आ रहे पर मैंने तो समझाई करूँ। जब तक आप दूसरों को नहीं समझा सकते हो नहीं सिखा सकते हो मतलब ये है कि आपका अंदर कच्चा है। अब क्या करें भाई साहब श्रुत ज्ञान के प्रकार भी बहुत हैं श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृतियों के प्रकार भी बहुत हैं। घर में जितने तपेले हैं उतने ढक्कन भी हैं कि नहीं नहीं ढक्कन है तो कोई भी थाली रखो कुछ भी रखो किसी पर कुछ भी रखो हो गया ढक्कन करने ही पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जितने ज्ञान हैं उतने कर्म प्रकृतियाँ भी उतने ही आवरणीय कर्म उस पर आवरण बना रहे हैं समझे। अब आपका कौन सा आवरणीय कितने प्रमाण में घटा है। सूत्र ज्ञानावरणी अलग है अर्थ ज्ञानावरणी अलग है तदुपय का ज्ञानावरणी अलग है स्वयं को समझने का ज्ञानावरणी अलग है दूसरों को समझाने का सर्वप्रथम जन्य भाव वो आवरणी अलग है और समझाना जो उनके लिए हो और सिखाने का और अलग है। समझाने में जैसा बोलोगे वैसा सामने वाला बोल दे वो दो मिनट अलग है मैं बोलूं और फिर आपसे बुलवाऊं मात्र आपके मुंह से बुलवाना है वो मति ज्ञान का प्रयोग चल रहा है। लेकिन जब आपके पास से सिखाने की बात है आप उसी बात को दूसरों को सिखाओ और जिसको सिखाओगे वो प्रश्न पूछेगा कुछ भी पूछेगा कैसा भी पूछेगा तब आपको क्लैरिफिकेशन करना आता है कि नहीं आपने जो सीखा है उसकी परीक्षा हो। लेकिन जिसको ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन हो चुका है अब वो बिल्कुल उसमें क्लियर हो चुका है उसके सामने उस विषय का विजन जो है बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है। अब उसको आप किसी तरह से पूछो किसी तरह से सिखाने की बात करो तो उसके अंदर स्पष्ट सदनों खाने को सबको बुलाकर मोक्ष के बारे में 9-9 मिनट देना 9 मिनट तक सबको मोक्ष के बारे में बोलना कल करेंगे परसों करेंगे जब भी करना हो तो बोलना मैं व्याख्यान बंद कर दूंगा यहाँ एक एक आपके 9 रत्न हैं एक एक बता देंगे एक एक बजे 9-9 मिनट बोलेंगे खाली मोक्ष के बारे में बस एक अक्षर इधर उधर का नहीं बोले। अब आप जब करना हो मुझे कल करो तो कल अच्छा है 14 से। अब बात यहाँ पर है कि इन सब पृथ्वियों को हम समझ रहे हैं अब इधर देखिए ये पृथ्वियाँ दूसरे जीवों के लिए उत्पत्ति निमित्त बन गए हमारा ज्ञान में एक पृथ्वी काय पदार्थ के लिए दूसरी पृथ्वी काय की उत्पत्ति योनियाँ तैयार होती है तब जा करके एक जगह पर दूसरे पत्थर बनेंगे। हमारी ये पृथ्वी हमने ली
अब इस पृथ्वी के अंदर, हमारे इस पृथ्वी के अंदर, अब यहाँ पर अगर ये जो बन रहा है ये नमक भी बन रहा है। अब नमक कितने जात के हैं, अलग अलग जात के जितने नमक पृथ्वी काल के अंदर बनते हैं। कौन सा शब्द है नमक के लिए? जी शब्द बोलना था। अब जितने प्रकार के लून जो है यहाँ पर, अब ये पृथ्वी का देखिए सब प्रकार अलग अलग है। यहाँ के पृथ्वी काय के अंदर ये स्फटिक बना है, ये यहाँ फिटकरी बनी है, ये नमक बना है, ये हिंग्लोब बना है, ये हड़ताल बनी है, ये रसेंद्र बना है, पारा बना है, धातु बनी है। खाली सबके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पृथ्वी काय के मात्र पृथ्वी काय के बंधारण में ही फर्क है। लेकिन सब अलग अलग क्यों है? पृथ्वी काय होते हुए भी एक धातु में, एक पर्वत में, एक पहाड़ में, एक मिट्टी में, रत्न में, ये क्या कर रहा हूँ? तो वहाँ महावीर कह रहे हैं सबके पास अपने अपने नामकरण की प्रकृति है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ दुनिया के किसी धर्म ने, दुनिया के किसी दर्शन ने, दुनिया के किसी विज्ञान ने इतनी गहराई में सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं और सोचने गए भी नहीं। पहले से बुद्धि के दरवाजे बंद कर दिए, ईश्वर की लीला को स्वीकार लो, एक बात बैठा दो, एक बात के साथ दूसरी बात कर दें। और महावीर को यहाँ डिटेल बता रहे हैं कि कई जातनी माटी हो तो एनु आयुष्य के क्लू छे, पीली माटी हो तो, लाल माटी हो तो, काली माटी हो तो, कई जातनी माटी से आयुष्य, ऐसा ऐसा दुनिया के किसी धर्म में नहीं, वेद वेदांतों में नहीं, कोई नहीं बता रहा। अब आप ज्ञान से समझिए, केवल ज्ञान का ही विषय है और जिसको केवल ज्ञान होगा वही खोल सकेगा रहस्य। जिसको केवल ज्ञान कभी होता ही नहीं है वो इस बात को न तो जान पाता है न किसी को बता पाता। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मंदिर में जाकर केवल ऐसे भगवान को हजार बार धन्यवाद दो कि भगवान बहुत अच्छा हुआ कि आपने केवल ज्ञान पाया। आपको उपसर्ग जरूर हुए, उपसर्ग बहुत आए, सब बात ठीक है, लेकिन भगवान आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया, ये बहुत बड़ी बात आपने।